सब्सक्राइब कीजिए अनिल की मस्ती चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अनिल की मस्ती पे फिर से एक बार। और ऊपर वाले का नाम लेके आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी 3-4 दिन के गैप के बाद मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं, तो आंखें थोड़ी थोड़ी है, मतलब सीधा हुआ है अभी, ऑलमोस्ट 85% तक अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है। और ये चश्मा देख सकते हैं आप, चश्मा पहन के जा रहा हूँ ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, तो डॉक्टर ने भी बोला था चश्मा पहनने के लिए। तो बने रहिए वीडियो पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, थैंक यू। ख़त्म हो गया, लगभग 6 के आसपास बज चुके हैं, मैं अभी निकल रहा हूँ क्योंकि बारिश आ रही है, पूरा आसमान इस टाइप का है कुछ, और बिजलियाँ भी कड़क रही है, तो तुरंत ही मैं निकलता हूँ, हो सके तो पेट्रोल वगैरह थोड़ा गाड़ी में कम है, डाल के जाना पड़ेगा, डलवा लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा घर पे। तो ऑफिस से आके अभी घर में बैठा हूँ, नाश्ता वास्ता करके थोड़ा बैठ गया हूँ, अभी सोच रहा हूँ क्या करना है अभी, क्योंकि बाहर तो बारिश, मतलब क्लाउडी क्लाउडी मौसम है थोड़ा, और बाहर जा भी नहीं सकते। अभी क्या हुआ है कि उड़ीसा में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जैसे कि सुबह 7 से लेके आपको 11 बजे तक की परमिशन थी, अभी वो बढ़ के 1 बजे तक हो गई है दोपहर के, उस हिसाब से कुछ शोरूम्स वगैरह खोलने की परमिशन दी गई है जो कि पहले नहीं थी, लेकिन अभी 1 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है, मतलब ये पूरा जून का महीना पूरा एक्सटेंड कर दिया गया है, जुलाई के महीने में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और एक बात भी मुझे आप लोगों से करनी थी कि आप जो देख रहे हैं वीडियो, वीडियो देख के स्किप कर जा रहे हैं, इस हिसाब से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कि चैनल जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत आ रहा है लेकिन जितना ट्रैफिक मतलब डाइवर्ट हो जा रहा है और कहीं पे, क्योंकि अनसब्सक्राइबर, जैसे कि मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में कहा होगा आपको, अनसब्सक्राइबर 1-2% सब्सक्राइबर होते हैं, अनसब्सक्राइबर 98-99% होते हैं जो कि देखते हैं कट जाते हैं, सीधा चल जाते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत दिक्कत देती है हमें। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि देखिए, एक यूट्यूबर जो कि मेरे जैसा यूट्यूबर है जो कि ग्रो कर रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को पूरा देखिए, 80% 90% तक देखिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स भी कर दीजिए, कहीं कहीं पे अगर सुधार वगैरह की ज़रूरत है वो भी कर सकते हैं आप, तो मुझे एक मोटिवेशन जैसी मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ यहीं पे मैंने मिस्टेक किया, यहीं पे नेक्स्ट वीडियो पे सुधार कर सकता हूँ। और एक बात, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो नए वीडियो है इस चैनल पे, क्योंकि ये एक ब्लॉग चैनल है तो यहाँ पे एक तरीके का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, कुछ डिफरेंट हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कैसे जी रहा हूँ, कुछ नया कहीं पे घूमने जाता हूँ, या फिर आपके लिए कुछ मतलब ज़रूरी चीज़ें कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ, तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। बाहर का सीन कुछ इस हिसाब से है, अभी बारिश तो नहीं हो रही है फिलहाल, लेकिन आप देख सकते हैं ये थोड़ा मतलब अंधेरा अंधेरा जैसा छाया हुआ है, और तारे भी नहीं है ऊपर और चांद भी नहीं है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी है, बादल वगैरह सब हैं ऊपर, पूरा यही चल रहा है आज का सीन। और ये मैं अभी अपनी कॉरिडोर पे हूँ, और कॉरिडोर से मेरा जो रास्ता है गांव का, जो कच्चा सड़क है, वो कुछ इस हिसाब से दिखाई देता है। अभी यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, कुछ घरों का काम चल रहा है, रास्ता वगैरह मरम्मत हो रहे हैं, चल रहा है बस। और ये मैं हूँ अभी कॉरिडोर पे, पूरा अंधेरा है, ये आ गया अभी कॉरिडोर से, बालकनी से रूम में, और यही बस आज का, मतलब आज दिन थोड़ा बिजी बिजी जैसा था, ऑफिस में थोड़ा बहुत काम था, काम हो गया,
और बारिश भी हो रही थी जाते टाइम, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। अभी आते टाइम तो बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन चल रहा है बस। आज का दिन लॉकडाउन के टाइम पे अभी शटडाउन हो रहा है, नाइट कर्फ्यू लग जा रहा है 7 बजे के बाद, तो बाहर निकलना इतना मतलब मुश्किल हो रहा है, और निकल के रिस्क भी नहीं ले सकते, फाइन वगैरह डाल देते हैं ऊपर, तो ये बस। या बीच बीच में सुन सकते हैं एक टाइप का चीं 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 करके साउंड हो रहा है, वो एक्चुअली बारिश के दिनों में वो मेंढक की साउंड होती है, पहले बहुत होता था, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी बीच बीच में कहीं पे ये आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, थोड़ा सुन सकते हैं शायद कुछ इस हिसाब से चीं 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 करके हो रहा है, वो होता है गांव वगैरह में ज़्यादा होते हैं, शहर में थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे शायद एक दो मेंढक घुस गए हैं अंदर, घर के अंदर, या फिर ये कॉरिडोर वगैरह कहीं पे होंगे, सीढ़ी वगैरह में कहीं पे होंगे, तो वो ऐसे ही कुछ ना कुछ साउंड करते रहते हैं। ये अभी सुन रहे हैं ना कुछ इस हिसाब से चीं 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 करके, ये वाला साउंड हो रहा है यार। सुबह जो चश्मा पहन के गया था ना, वो भूल आया ऑफिस में, अपने ड्रॉ में रखा था उतार के, और भूल गया पूरा। बताओ कोई लेगा नहीं, फिर भी अगर ज़रूरत होती सुबह जाता हूँ, आँख में धूल वगैरह चला जाता है, डस्ट वगैरह, उसके लिए लिया था, मतलब भूल गया पूरा, ये भुलक्कड़ हो गया हूँ पूरा, क्या करूँ। अभी फिर कल जाऊँगा, क्योंकि कल के बाद परसों शटडाउन है 2 दिन के लिए, कल पक्का ला के रखना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इस हिसाब से शटडाउन के टाइम पे आसपास में भी कहीं जाता हूँ ना, तो बिना चश्मे के जाना पड़ेगा, जो कि मेरे आँख के लिए अभी फिलहाल ठीक नहीं है। आँख अभी हो गया है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा मतलब फूला हुआ है, और ये दर्द भी नहीं होता, ये नॉर्मल हो गया है पूरा, नहीं होता था दर्द अभी पूरा, मतलब 95% तक कम हो गया है, और एक दो बार ड्रॉप वगैरह डालूंगा, 2-3 दिन, दिन में एक बार डालना है, डॉक्टर ने बोला है, डालने के बाद वो ड्रॉप बंद करूंगा, क्योंकि मेडिसिन वगैरह सब खत्म हो गए हैं, बस चल रहा है, उम्मीद है पूरा हो जाएगा ठीक, नहीं तो अभी कोरोना के टाइम पे ये फंगस वंगस हो रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रही है बॉस, डर भी बहुत लग रहा है, ये देख रहे हैं ना कैसे चीं चीं करके साउंड हो रहा है, ये बेसिकली मेंढक वगैरह होते हैं, कहीं कहीं पे घुस जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बारिश वाले मेंढक हम बोलते हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा इस टाइप के साउंड करते हैं, ये जिस टाइम ज़्यादा बारिश होगी उस टाइम ज़्यादा होगा इनका साउंड, और ये गांव में बेसिकली आप ज़्यादा सुन सकते हैं, कहीं पे भी जाएंगे ना तो रात में अगर शहर से कोई आदमी जाके पहुंच जाएगा तुरंत ही गांव में, इस टाइप का साउंड सुन के वो अकेला होगा तो डर जाएगा, इस टाइप का होता है। ठीक है, आज के इस चीं चीं वाले साउंड के साथ आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हुआ होगा, एक छोटा सा बस एक वीडियो था ऐसे, मतलब लोग बोलते हैं कि आपका ब्लॉग आज नहीं आया, क्योंकि 2 दिन के बाद ही आने वाला है, तो 2 दिन में एक बार आता है, देखिए अभी टाइम तो मेरे पास हो नहीं रहा है, थोड़ा ऑफिस भी ओपन हो गया है, अभी रेगुलर बेसिक पे जाना है, हफ्ते में 5 बार, 2 दिन की अभी छुट्टी है, मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत करके, जहाँ जहाँ पे भी जाऊँगा आपको घुमाऊंगा लाइव, मतलब आज क्या हुआ, कैसा दिन गया, मैं कहीं पे घूमने गया कि खाने गया, कहीं पे क्या हो रहा है, ये सब दिखाऊंगा आपको, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे जिंदगी के साथ क्या हो रहा है वो भी फील मतलब शेयर करूंगा, क्या मैं फील कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं, वो सब शेयर करूंगा, आगे बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने में, मतलब बहुत ही खुशी होगी मुझे, तो बने रहिए वीडियो पे, और अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ हो एक बड़ा सा थम्स अप देके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी चाहते हैं व्हाट्सएप पे, सभी पे शेयर कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और दीजिए मुझे इजाज़त, दिल थाम के बैठिए और कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार, तो बस चलता हूँ, बाय, जय हिंद, जय जगन्नाथ।